हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखो, ट्रांजिशन कर्व, इसके पहले भी मैंने बताया था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कर्व, है ना। और जनरली सबसे पहले तो ट्रांजिशन कर्व को क्या जरूरत है देने की, और क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करें, तो जनरली ट्रांजिशन कर्व इसलिए दिया जाता है कि एक कंफर्टेबल ड्राइव कर सके। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसके आप पहले वाले वीडियोस को अगर देखेंगे, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, उसको सडन हम मोशन नहीं दे सकते, है ना, सडन कर्व नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कर्व रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे रेडियस का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रेडियस नहीं है, कर्व नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और फिर जो भी इसका रिक्वायर्ड रेडियस रहेगा उसको हम दे देंगे। तो इस तरीके से हम जो ये जो हम कर्व यहाँ पे दे रहे हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व इसलिए दिया जा रहा है कि जो आपका प्रॉपरली मेंटेन कर सके आपकी कंफर्टेबल राइड। अब अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व की बात करें, तो इसमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रेडियस दे रहे हो, जो भी आपको जीरो से यहाँ पे जो आपकी रेडियस की वैल्यू होगी, मे बी इट विल बी जीरो, और यहाँ पे जो भी आपको रेडियस अटेन करना है, जो भी इंक्रीमेंट करना है, वो एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंट तक आप इसको लेकर के जा सकते हो, और वहां पे आप फाइनली यहाँ पे एक फाइनल रेडियस दे दोगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो कर्व है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव को जानना चाहें कि क्या, मतलब क्या जरूरत है और कैसे देना चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो जरूरत तो हमने समझ ली कि एकदम से अगर हम व्हीकल की बात करें, स्पेसिफिकली ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन एकदम से मूव नहीं कर सकती। तो वो पहले स्ट्रेट जाएगी, फिर धीरे 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 उसका मूवमेंट होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस तरीके से ट्रेन आ रही है स्ट्रेट लाइन से, और धीरे धीरे वो क्या कर रही है, आपके अपने कर्विकल पार्ट को अटेन कर रही है ना। तो ऐसा मूवमेंट हमें यहाँ पे देना है। इसके साथ साथ खाली इसी का ध्यान नहीं रखना है, हमें कुछ तीन चार चीजों का ध्यान रखना है जब हम इसको देंगे। सबसे पहला कि ये जो हम जब यहाँ पे कर्व दे रहे हैं, तो इस कर्व का ग्रेडियंट हमें मेंटेन करना है, ठीक है। जो भी कर्व का ग्रेडियंट है उसको हमें प्रॉपर देना है, इतनी ग्रेजुअल इंक्रीज देना है, क्योंकि देखिए ग्रेडियंट मतलब कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ योर हाइट टू गिव टू अटेन अ स्पीड। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ग्रेडियंट देंगे, वो इस तरीके से ग्रेजुअल देंगे कि ट्रेन को या कार को या व्हीकल को खुद को पता नहीं चलेगा कि वो आराम से मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो उसको इस तरीके से अगर ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना है, उसका एक स्मूथ ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड करना है कर्व के लिए, है ना। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, इसकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्पीड को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या हुआ, आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, फिर ट्रांजिशन कर्व आ गया, फिर धीरे धीरे आगे थोड़ा मूव करेंगे, और जो भी आपका रेगुलर कर्व है आप उसको मैच कर सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप ये जो आपका कर्व है, इस कर्व के पहले आप ट्रांजिशन कर्व को दे सकते हो, उस कर्व के बाद इस ट्रांजिशन कर्व को दे सकते हो, है ना, जिसमें आपका व्हीकल स्मूथली रन कर सके। सेकेंड, अगर हम बात करें कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि प्रॉपर ग्रेडियंट देना है, इसके साथ साथ अगर हम फर्दर बात करें सुपर एलिवेशन या कैंट की, है ना। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि ये वाली साइड थोड़ी हाइटेड रहेगी और ये वाली साइड थोड़ी डाउन रहेगी, इस तरीके से हमारा व्हीकल मूव करेगा। तो ये सुपर एलिवेशन को प्रॉपरली देना है, धीरे धीरे इसको भी इंक्रीज या डिक्रीज या एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आना है। एकदम से आप सुपर एलिवेशन भी नहीं देते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टार्ट करो और ऐसे बिल्कुल ऐसा ऐसा हो गया आपका व्हीकल, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने भी देखा होगा धीरे धीरे आपको देना है सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का ग्रेजुअल इंक्रीमेंट को भी प्रोवाइड करता है रेगुलेशन के लिए। अगर हम थर्ड बात करें और क्या देते हैं, है ना, ठीक है, हमने ये सब समझ लिया। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अगर आप कर्विकल पाथ में जब मूव करोगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स जो दे रहे हो, ये भी धीरे धीरे ही बढ़े। एकदम से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रिपिटल फोर्स अगर कोई भी डिसबैलेंस हुआ, या कोई भी एक आपका
इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका व्हीकल एकदम से पलट जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, जब कर्विकल पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अंदर को धकेलता है, सेंट्रिपेटल फोर्स उसको बाहर को धकेलता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखते हैं तो ठीक है, तब तक तो सही चलेगा, है ना। बाकी वो जो हमने देखा है कि कार ऐसे राइड करते हैं, एक ये अपने जो दो साइड व्हीकल है, जो दो साइड व्हील्स हैं, इसके ऊपर ऐसे कार को खड़ा कर देते हैं, तो कार खड़ी हो सकती, ट्रेन खड़ी नहीं हो सकती ना, है ना। ट्रेन के साथ स्टंट नहीं करे जाते, तो इसलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। तो ये तीन चीजों को हमें याद रखना है कि अगर आपको यहाँ पे देने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव समझ आ गया तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जब हम ट्रांजिशन कर्व को बनाते, देखो बिना ट्रांजिशन कर्व के कोई भी कर्व कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, है ना। आपको कोई भी कर्व रेगुलेट करने के लिए देना है तो वहां ट्रांजिशन कर्व आपको मैक्स टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर आप रेलवेज की बात कर रहे हैं, है ना, या आप हाईवेज की बात कर रहे हैं या एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट जहां से व्हीकल्स निकल रहे हैं वहां पे आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड्स, ये सारी चीजों का। अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिए तो रिक्वायरमेंट आप खुद बता सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि कर्व इस तरीके से हमें देना है कि वो स्ट्रेट लाइन से, जो हमारा कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से हमारा कर्विकल पाथ में ट्रांजिशन कर्व में कन्वर्जन हो, है ना। सेकेंड पार्ट हमने बात करी थी कि इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग में जीरो होनी चाहिए टू द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे बात करी थी कि जब भी हम टेंजेंशियल बात करते हैं तो ये जनरली कैसे होना चाहिए कि आपका, अगर हम टेंजेंशियल फॉर्म में बात करें तो स्ट्रेट लाइन से आपका और यहाँ पे कर्व का टेंजेंट दोनों एक दूसरे से मीट करना चाहिए, है ना। आपका स्ट्रेट लाइन और जो भी आपका कर्व का टेंजेंट है वो एक दूसरे से क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये सर्कुलर पार्ट को कर्व कर अटेन कर सके, है ना। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये क्या कर सके, इस तरीके से सर्कुलर पार्ट को क्या कर सके, अटेन कर सके, है ना। कुछ ऐसा कर्वेचर रहना चाहिए जो सर्कुलर पार्ट से मिलता हो। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा कि इस तरीके से होना चाहिए, देखो सर्कुलर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। सेकेंड बात हम करें कि आपका एल, जो भी आपका सुपर एलिवेशन है वो धीरे धीरे आपके डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होना चाहिए। फोर्थ हम बात करें तो इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि ये सुपर एलिवेशन को अटेन कर ले, इसके साथ साथ आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी काउंटर कर सके विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक और चीज, जब हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व की बात करेंगे तो इसमें कोई भी दो सर्कुलर कर्व को भी ये क्या कर सके, मिलाने की कोशिश कर सके, है ना। और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि जब भी हम ट्रांजिशन कर्व बनाए तो ये ट्रांजिशन कर्व कुछ इस तरीके से हो कि जो हमारा रियल कर्व है ना, जो भी हमारा रियल या रिक्वायर्ड कर्व है ये उसकी रिक्वायरमेंट को मैच कर सके या फुलफिल कर सके, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि ट्रांजिशन कर्व, आपको कोई भी कर्व सेक्शन देना है उसके पहले और उसके बाद में आप ट्रांजिशन कर्व दे देते हैं जिसमें जो भी पर्टिकुलर उसका पर्पस है उसको हम अटेन कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।